जैसा हम जानते हैं कि इसका एक उसको हम कैसे विकसित करें और एक अच्छे पंचकुला का जैसे माहौल ही है इस प्रकार से एक निकल करके आया। एक हमारा हालांकि बड़ा आइकॉन सिटी तो गुरुग्राम बना है, लेकिन अब पंचकुला की तरफ हमारा ध्यान है, तो हमने उसकी जो लाइसेंस फीस सीएलयू फीस पिछले साल कम कर दी थी, द रेट्स एट पार विद मोहाली वो हमने कर दिए थे, उसका लाभ भी हुआ है। कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, कुछ लोगों ने सीएलयू के लिए लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन एक साल समाप्त होने के बाद और उसमें समय सीमा हटाई है कि टिल फर्दर ऑर्डर वो सारे रेट्स जो पहले लागू किए गए थे उनको आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा टिल फर्दर ऑर्डर। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज चाहे वो नगर पालिका के अंदर हैं चाहे नगर पालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथोराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगर पालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है, उसके भी एक्ट की आवश्यकता है। तो उसके एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है ताकि अगले आने वाले सत्र में उसका एक्ट बनाया जाए और ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं इनको जो शर्तें पूरी करेंगे उन शर्तों को पूरी करने के बाद उसको भी ऑथराइज कर दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के। तो ये एजेंडा दिया कैबिनेट में पारित कर दिया। वृद्धावस्था पेंशन, जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है, उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फार्म वो साइन कराना है और कंसेंट फार्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं, हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश भारतवर्ष वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9% 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर कोई अपना इंक्यूबेटर सेंटर अगर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी राशि दी जाती है। किराया शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति उसमें की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शर्तें, इसमें भी कुछ छूट मिलती है, और मेले प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए ऐसे स्टार्टअप्स को अपना प्रचार करने के लिए उनको उसमें सहायता मिलती है। स्टार्टअप्स की प्रतियोगिताएं भी हम कराते हैं, जो स्टार्टअप अच्छा प्रोजेक्ट कोई अपना ला करके दिखाता है जिसका ज़्यादा लाभ हो सकता है तो उनको भी उसमें अवार्ड्स मिलते हैं। और बिजली शुल्क भी जो 2% का लगाया हुआ है वो उनको छूट मिलती है। तो स्टार्टअप्स के नाते से कोई अच्छा आइडिया लेकर के व्यक्ति आता है, कोई प्रोडक्ट अपना बनाता है, कोई सर्विस के नाते से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, कुछ और करता है, तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्टअप्स को पर्याप्त सहायता मिलती है। और ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आज ये पॉलिसी 2022 लेकर के आए। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे, काफ़ी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद
और अंतोदत्वा आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी में लेकर के आए हैं। हम जानते हैं कि जैसे अब डिजिटल का जमाना आ गया है, बहुत सी चीज़ें डाटा जो इकट्ठा किया जाता है उस डाटा की सुरक्षा, ये सबसे बड़ा विषय होता है। तो डाटा सुरक्षित रखा जाए ऐसे डाटा सेंटर्स, चाहे वो प्राइवेट बने चाहे सरकारी बने, लेकिन उसके लिए जो सुविधाएं देना ये बहुत आवश्यक है। पूंजीगत सुविधाएं भी हैं, पावर के रेट्स की भी सुविधाएं हैं, और उनके जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी हमने प्रतिवर्ष 48,000 रुपये की दर से और जो रोजगार सृजन सब्सिडी ये देते हैं, ये उनको ऑफर की गई है। स्टाम्प ड्यूटी शुल्क जो है 100% वो फ्री किया गया है, बिजली शुल्क 100% छोड़ दिया गया है। डेटा सेंटर्स की ए और बी श्रेणी में उनका जो SGST है, स्टेट का GST है, उसमें ए और बी में 50% की छूट है और सी और डी में 75% की छूट जो है, ये उनको छूट के उनको वापस रीइंबर्समेंट की जाएगी और वो इसका लाभ उठा सकेंगे। अगले हमने जो अनुमान लगाया है कि 7 वर्षों में 100 से लेकर 125 तक डाटा सेंटर ऐसे आने की संभावना हरियाणा में है, और जिसमें से 7,500 करोड़ रुपए के निवेश की और ऐसा एक अनुमान लगाते हैं, ताकि इस नए प्रकार का होने वाला ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है, इसका माहौल हरियाणा लोगों को अच्छा मिले। संयोग से दिल्ली के बहुत नज़दीक होने के कारण से गुरुग्राम जैसे नगर में या उसके आसपास डाटा सेंटर्स की आने की संभावना ज़्यादा है, फिर भी पावर की उनकी आवश्यकता वो हम पूर्ति करेंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए उसको पूर्ति करेंगे। और पावर खपत क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है, उसमें कॉस्ट वाइज पावर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, डाटा सेंटर को एक लोएस्ट यानी वोल्टेज लोएस्ट टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है, तो ये एक नई पॉलिसी हम लेकर के आए हैं, इसका भी हरियाणा को लाभ मिलेगा। लकड़ी आधारित उद्योग, खास करके यमुनानगर साइड में जो हमारा उद्योग है, इसके पॉलिसी पिछले कैबिनेट मीटिंग में लाए थे, उसमें एक ऐसा विषय था दूरी का, यानी जो वन क्षेत्र से और वो उद्योग कितनी दूरी पर होना चाहिए, वो 3 किलोमीटर रखी गई थी, लेकिन वहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी ओर से एक सुझाव आया था, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री पहले से लगी हुई है और वो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूर भी लगी हुई हैं, उसमें हमको छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है, कठिनाई नहीं है, तो वो दूरी जो है 3 किलोमीटर के बजाय 500 मीटर रख दी है, 500 मीटर दूर वो इंडस्ट्री लग सकती है, तो यमुनानगर में ये जो उद्योग है लकड़ी का, इनका इसको लाभ मिलेगा। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है EV पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की पेट्रोल की जो खपत होती है उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूज़र भी इसके आने चाहिए, तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, और जो लोग इसको खरीदेंगे 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर कारें बसें ट्रक जो खरीदेंगे उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे उसके बाद उनको कुछ सहायता, और ये सहायता 10% 15% उसका एक मैक्सिमम लिमिट भी रखी है, 3 लाख 5 लाख से लेकर 15-20 लाख तक, जितना बड़ा व्हीकल होगा जितनी ज़्यादा कीमत का होगा उसको 10 से 15% तक की छूट उनको खरीद में भी मिलेगी। इंडस्ट्री लगाने वालों को भी जो सुविधाएं हम SGST की दे रहे हैं, पावर यानी स्टैम्प ड्यूटी की दे रहे हैं या पावर शुल्क की दे रहे हैं, वो सारी सुविधाएं उनको भी मेगा प्रोजेक्ट्स के नाते से वो दी जाएंगी, और इसमें मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माता और जो उनके खरीदार हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि तेज़ी से आज पूरे देश भर में अगर देखें तो लगभग कितने करोड़ व्हीकल बताए, 22 करोड़ व्हीकल देश भर में चल रहे हैं, और हर साल 1.5 से 2 करोड़ व्हीकल बढ़ जाते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में व्हीकल चलता है और सारे देश में जो प्रदूषण फैलाता है, तो इसके कारण से प्रदूषण में बचत होगी, और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की जो हम मंगवाते हैं उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज लगता है, तो बहुत बड़ा खर्च पेट्रोलियम पदार्थों में होता, उसकी बचत होगी, तो पावर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल
और इसमें जो उनके रिचार्जिंग सेंटर्स हैं उसकी भी सुविधाएं दी गई हैं कि हर शहर में रिचार्जिंग सेंटर बनाने वाले, उनको भी हम आगे लेकर के आ रहे हैं ताकि रिचार्जिंग जो है वो भी आसानी से उनकी हो सके। एक विषय पावर डिपार्टमेंट का भी आ जाया है। हम जानते हैं कि पावर जो निर्माता है बिजली के और खास करके जो थर्मल पावर हाउस चलाते हैं उसमें दो प्रकार का कोयला यूज होता है, या तो डोमेस्टिक है या इंपोर्टेड है। पिछले दिनों में इंपोर्टेड कोयला बहुत महंगा हो गया और लगभग जो $100 का भी होता था तो $250 तक प्रति मेट्रिक टन ये पहुंचा है। तो इतना महंगाई होने के बाद कई कंपनियां वो घाटे के गार पर चली गई और उनकी डिमांड है कि हमारे जितने एग्रीमेंट्स हैं या तो एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया जाए, नहीं तो फिर हमारे यूनिट्स बंद हो जाएंगे और कंपनियां फेल हो जाएंगी और कल को CCL क्या होता है CCL आई पावर परचेज नहीं CCLT क्या बोलते उसको NCLT तो सीएम मनोहर लाल प्रेस वार्ता करते हुए हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें साफ तौर पर कई एजेंडों को लेकर मंथन हुआ। साफ तौर पर उसके बाद सीएम मनोहर लाल ये प्रेस वार्ता करते हुए जिसमें सभी एजेंडों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करते हुए, तो हरियाणा कैबिनेट की काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हुई, मंथन हुआ। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और साफ तौर पर कई कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद रहे। कई एजेंडों को लेकर इसमें जिक्र किया गया, मंथन हुआ। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मंथन हुआ, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल प्रेस वार्ता कर उस मंथन को साझा करते हुए जो उस कैबिनेट की बैठक में हुआ, किन किन एजेंडों पर बात हुई। साफ तौर पर सभी महत्वपूर्ण एजेंडे, चाहे वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हो, तो हरियाणा कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में साफ तौर पर यह बैठक हुई। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा हुई, जैसे स्टार्टअप नीति लेकर सरकार आ रही है। साफ तौर पर सीएम ने कहा वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी होगी, सीएम मनोहर लाल ने कहा। इसके साथ ही हरियाणा के 5000 स्टार्टअप, सीएम मनोहर लाल ने कहा। बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा, पेंशन के लिए अलग से कागज भरने नहीं होंगे। इंडस्ट्री लगाने वालों को अलग से सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ये काफी कई एजेंडों को लेकर साफ तौर पर मंथन हुआ, जिसमें साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल पत्रकार वार्ता में रूबरू होते हुए उन एजेंडों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी होगी, सीएम मनोहर लाल ने कहा। हरियाणा के 5000 स्टार्टअप चलेगी नहीं तो झगड़े शुरू होंगे, कंपनियां बंद हो जाएगी, पावर जो है वो मिल नहीं पाएगी। आखिर 1424 मेगावाट पावर हमारे लिए बड़ी मायने रखती है, 9500 मेगावाट का मेरी टोटल खपत है और उसमें अगर 14000 चली जाए, 1400 चली जाए तो लगभग 18-20% पावर कम हो जाती है। तो इसलिए उस पर नेगोशिएट करके गुजरात ने भी अपना नया एग्रीमेंट कर लिया है, पंजाब ने भी कर लिया है, आज हरियाणा में भी हमने उसको रीनेगोशिएट करके और उसका एक नया प्रारूप पास किया है, कैबिनेट में आज कर लिया उसको लागू करेंगे और उस पर एक सहमति बन करके ताकि पावर का संकट हमारा आगे ना आए। उसमें इतना ही है कि जो 30% इम्पोर्टेड का था वो शेयर 17% कर दिया है, डोमेस्टिक 83% कर दिया है। एक साइड से कुल मिलाकर के उन्होंने कंपनी ने हरियाणा को लाभ पहुंचाया है और एक प्रकार से उसका हमने उनको नेगोशिएट करते हुए, क्योंकि नेगोशिएट में बार्गेनिंग करनी पड़ती है, उस बार्गेनिंग में जो 17% का ज्यादा कीमत अगर आती है इंपोर्टेड कोल के कारण से वो हम पास ऑन करेंगे। तो एक तरफ से उनसे हमने छूट ली है और एक तरफ से हमने उनको एक फैसिलिटी दी है ताकि कंपनी चलती रहे। अब वो जो 70-30 का जो नेगोशिएशन था यानी एग्रीमेंट था वो 83-17 ये हो गया है, उसमें कुछ लॉस कंपनी का भी बचेगा, कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा भी होगा। लगभग, क्योंकि आप पूछेंगे मैं अभी बता देता हूँ, लगभग साल का 50 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर आएगा, यानी साल में कुल हमारा
2500 करोड़ रुपए की परचेज होती है, तो 2500 करोड़ रुपए की परचेज पर ये 50 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, 2% लगभग हो जाता है वो। अगर ये नहीं करते हैं तो हमारा 1500 मेगावाट बिजली वो हमारी बाहर हो जाती है, और वो बाहर हो जाती है तो हम भले लड़ाई लड़ने के बाद कल को रिजल्ट कुछ भी आए, बहुत प्रोसेस है, कोर्ट्स हैं छोटे बड़े, एप्टल, फिर सीआरसी, एससीआरसी और सुप्रीम कोर्ट, और फिर 2-5 साल के बाद मानो कोई हमको लाभ मिल भी जाता तो हम आज इस समय ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 1500 मेगावाट बिजली को छोड़ सकें। इसलिए ये एक हमने आज नया एग्रीमेंट पीपी बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, वो जल्दी एक नेगोशिएट तो हो ही गया लेकिन एक पॉलिसी पर साइन होकर के फाइनल हो जाएगा। इतने विषय आज और इतने सब विषय आपके सामने मुझे रखने थे जो आज की मीटिंग में इम्पोर्टेंट एजेंडाज थे वो आपके सामने रखे। दोनों को रहेगी, उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। इंसेंटिव टू बायर्स, बायर्स में तो 6 लाख रुपए तक या 15% मैक्सिमम जो होगा 6 लाख तक ये छूट रहेगी, जो जिन व्हीकल्स की कीमत 15 लाख से 40 लाख तक है, और जिनकी ये कार के और लाइट रेंजिंग व्हीकल की है, और फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड लाइट ईवी रेंजिंग फ्रॉम 15 से 40 लाख, ये कोई दूसरी कैटेगरी है जिसमें 15% एक्स शोरूम प्राइस या मैक्सिमम 3 लाख, इसकी प्राइस थोड़ी कम होगी। ऐसे ही 40 लाख से 70 लाख के जो व्हीकल हैं उनमें एक कैटेगरी में तो 15% या 10 लाख और दूसरी कैटेगरी 15% या 5 लाख, ये दोनों कैटेगरी का क्या अंतर है? एक कैटेगरी आप लोग समझते होंगे, एक है इलेक्ट्रिक कार लाइट ईवी, दूसरा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड लाइट ईवी। हाँ, हाइब्रिड में दोनों प्रकार से होगी, जिसके अंदर ईवी भी होगी और डीजल पेट्रोल से भी चलेगी, मानो अचानक बीच में कहीं चार्जिंग खत्म हो गई तो अपना उसे भी चला सकते हैं डीजल पेट्रोल से भी, तो वो हाइब्रिड। हाइब्रिड में छूट थोड़ा कम दी है लेकिन जो केवल ईवी है उस पर छूट ज्यादा दी। हाँ, फिर मोटर व्हीकल टैक्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू व्हीलर हैं उनके ऊपर 100% जो है रजिस्ट्रेशन में छूट दी है, अप टू फर्स्ट 30,000 व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर में भी 100% एग्जेम्पशन अप टू फर्स्ट 15,000 व्हीकल्स। फोर व्हीलर्स में 75% एग्जेम्पशन ऑन मोटर व्हीकल्स फॉर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स। हाइब्रिड इसमें 25% एग्जेम्पशन है अप टू 2500 व्हीकल। इलेक्ट्रिक बसेस 75% एग्जेम्पशन अप टू 1000 व्हीकल्स। ऐसा एक लिमिट इसकी रखी हमने। फिर ये तो है मोटर व्हीकल टैक्स, एमवी टैक्स, ये रजिस्ट्रेशन टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, इसमें भी बहुत नॉमिनल रखा है। हर कैटेगरी का टू व्हीलर जो है सिर्फ 200 रुपए में 30,000 व्हीकल वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। थ्री व्हीलर 200 रुपए 15,000 व्हीकल, फोर व्हीलर्स 500 रुपए 10,000 व्हीकल, हाइब्रिड में 500 रुपए 2500 व्हीकल, और इलेक्ट्रिक बसेस 500 रुपए 1,000 व्हीकल। तो बहुत नॉमिनल रेट उसका रजिस्ट्रेशन का रखा है, जो बड़ी उसमें मात्रा में पहले होता है। प्राइवेटली ओन्ड पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को भी इनको कुछ रियायत दी गई है, और एक सब्सिडी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख रुपए तक की छूट जो है मैक्सिमम, वो कितना बड़ा होगा, कितने चार्जेस स्टेशन होंगे उसके हिसाब से ये रखा गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी कुछ छूट दी गई है कि इसके ऊपर कोई रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर भी अपना बनाता है उसके लिए भी छूट है। कुल मिलाकर के सब प्रकार की जो छूट है उसका टोटल जो हमारे टारगेट्स हैं वो 1-5 साल के लिए 823 करोड़ रुपया इसके लिए बजट हमने अनुमानित रखा है। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये तो बायर्स के लिए हैं, सब्सिडी इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरर्स, इसके लिए भी माइक्रो इंडस्ट्री में 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट का या 15 लाख रुपया
जो इसमें से कम है। फिर स्मॉल इंडस्ट्री में भी ऐसे ही 20% या 40 लाख रुपया जो कम है, फर्स्ट 10 यूनिट्स ऊपर फर्स्ट 20 यूनिट्स, और नीचे मीडियम इंडस्ट्री फर्स्ट 5 यूनिट्स को 20% या 50 लाख रुपया विच इज लोअर, लार्ज इंडस्ट्री 10% और 10 करोड़ विच इज लोअर फॉर द फर्स्ट 2 यूनिट्स। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लिए आप लोगों को सब छपा हुआ मिल जाएगा। सीड एंड कन्वर्जन फंड भी रखा है उसके लिए, SGST रीइंबर्समेंट 10 साल के लिए 50% जो नेट SGST होगा वो उनको 10 साल के लिए वापस मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी टोटल जो है उसको रीइंबर्स करेंगे। पावर सब्सिडी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 2% की, वो 20 साल तक उनको नहीं लगेगी। वाटर ट्रीटमेंट अपने यूनिट्स का जो वाटर ट्रीटमेंट वो करेंगे उसमें भी जो कॉस्ट आएगी उसका 50% अप टू 50 लाख रुपया ये उनको रीइंबर्स करेंगे। पेटेंट फी 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस अप टू 25 लाख। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 48,000 रुपया प्रति एम्प्लॉय फॉर 10 ईयर्स इन BCD ब्लॉक। तो ऐसी ये सारी छूट जो है इनको दी गई है ताकि बड़ी मात्रा में हरियाणा में आकर के अपने यूनिट्स लगाएं, और फिर बायर जो है उनको भी उसकी फैसिलिटी है ताकि वो भी लोग खरीदें, ताकि हम अच्छे। नहीं अभी तो ऐसा नहीं आएगा, कारण क्या कि बहुत नॉमिनल सा जो बताया ना 2% का खर्च पड़ता है, तो 2% वो भी क्योंकि हमारी तो 9-10 हज़ार मेगावाट यूनिट आ रही है, ये सिर्फ 1400 मेगावाट है, इसलिए टोटल बिजली का भी ये 15-17% है, और उसमें भी 2% का अगर एक्स्ट्रा खर्च आता है तो कुल टोटल ओवरऑल 3 पैसे यूनिट का फर्क पड़ता है, इसलिए कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि जिसके कारण से हमको इसमें टैरिफ के ऊपर इसका लोड करेंगे, वो तो नॉर्मल जैसे चलता है। बाकी खर्चे जब कभी आएंगे तीन थोड़ी बढ़ाएंगे तो 10-20 पैसे बढ़ाएंगे, तो 3 पैसे उसमें अभी खप जाएंगे, इतनी बात नहीं है। सर अग्नि गिरो को लेकर के आपने घोषणा अभी की थी जो गारंटी रोजगार गारंटी, आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी है, क्या इसको लेकर कोई पॉलिसी लाने को कोई विचार आपका है? हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है पॉलिसी बनाएंगे, कारण क्या कि ये कोई अभी तुरंत तो लागू होने वाला विषय नहीं है, ये 4 साल बाद का विषय है, लेकिन क्योंकि विपक्ष के लोग या बाकी लोग बोलते हैं कि आपकी घोषणा से तो उनको नई तसली होगी, उनको विश्वास चाहिए तो कोई पॉलिसी लेके आए कुछ, वो डिपार्टमेंट को बोला है और हमारा लीगल डिपार्टमेंट भी और एडमिनिस्ट्रेटिव सब लोग मिलकर के एम्प्लॉयमेंट वाले सब मिलकर के पॉलिसी बनाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम इसको लेजिस्लेटिव वो भी दे देंगे। स्टार्टअप को लेकर सर थोड़ी सी और जानकारी दे दीजिए, स्टेट वाइज भी होता है कि सेंटर से ही होता था स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, हरियाणा कितना प्रोत्साहित करता है? ऐसा जितनी छूट उनके स्टार्टअप्स को दी जा सकती है सेंटर तो देता ही है, लेकिन स्टेट में भी अगर हम ज्यादा छूट देंगे तो हमारे जो नए युवक हैं जो स्टार्टअप बनना चाहेंगे उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, और ये टाइम बाउंड होता है, थोड़े समय के लिए मिलता है उनको, ताकि वो लोग फिर एक बार स्टार्टअप का एक स्वरूप बनाने के बाद उसको जब उस अपने काम को मैग्नीफाई करेंगे तो जनता को उसका फायदा होगा। नए जो लोग होते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप की योजना बहुत बढ़िया है, स्टेट भी उसमें सहूलतें देती है। सर ये कॉलोनी लेवलाइज का मामला लेकर क्या है, देखिए घोषणा पत्र आखिर एजेंडा तो होता ही है पार्टी का, ऐसा थोड़ी कि नहीं होता है, लेकिन उस एजेंडे को हम एक साइड में भी रखें तो भी रहन सहन जैसा लोगों का है वो अच्छा बने। अब क्या है कि चाहे किसी लालच में कहें चाहे अपने और प्रकार से कहें तो अनप्लैंड जो कॉलोनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है अपने यहाँ, जो प्लैंड है थोड़ा सा पैसा उसका ज़्यादा लगता है, महंगी होती है, इसलिए कम पैसा खर्च करके और कम ज़्यादा लोगों को हम मकान दे सकें, कॉलोनाइजर जगह जगह ऐसे निकले हुए बने हुए हैं, बहुत कंट्रोल करने के बाद भी बहुत सी ऐसी एरियाज हैं एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा और मकान बना लिए, हालांकि पिछले कुछ समय से हमने कई कानून बनाए हैं जिसमें उनको रोकने की कोशिश की गई है कि अब 7A जिसके कारण से अब रजिस्ट्री जो है छोटे प्लॉट की रेजिडेंशियल की रजिस्ट्री नहीं हो सकती जब तक कॉलोनी जो ऑथोराइज नहीं होगी। जब सब हरियाणा को देखते हैं तो हजारों कॉलोनी ऐसी बन गई हैं सब शहरों में जिनको आज तोड़ना संभव नहीं है, लेकिन उसके पैरामीटर तय किए हैं कि कम से कम इतनी सड़क गली होनी चाहिए, इतना वहाँ कुछ स्पेस खुला होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, कोई कम्युनिटी सेंटर होनी चाहिए,
तो जिन चीजों पर कॉलोनी सारे पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरते हैं उनको तुरंत करेंगे, बाद में कुछ कॉलोनीज को अगर छूट भी देनी पड़ेगी तो वो छूट का एक प्रावधान रखा है उसमें, कमेटी को बनाया, उस कमेटी में कम से कम रहन सहन ऐसा हो जाए कि जिसमें से लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन सबको तोड़ेंगे तो ठीक नहीं। हाँ, जहाँ बिल्कुल ही मान लो बहुत ही इनह्यूमन अगर वो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों को लेकर मंथन किया गया, कई कैबिनेट मंत्री के साथ चर्चा की गई और साफ तौर पर कई मुद्दे अभी पत्रकार वार्ता में सीएम मनोहर लाल ने साझा भी किए। साफ तौर पर बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा, पेंशन के लिए अलग से कागज नहीं भरने होंगे, इसके साथ ही इंडस्ट्री लगाने वालों को अलग से सुविधा मिलेगी। ई व्हीकल पर भी हरियाणा सरकार लगातार जोर दे रही है। साफ तौर पर बिजली के मुद्दे पर बोले सीएम मनोहर लाल, तो कई मुद्दों को लेकर मंथन किया गया, काफी एजेंडे इस कैबिनेट में साझा किए गए जिन पर मंथन किया गया। वहीं इस मंथन के बाद सीएम मनोहर लाल साफ तौर पर प्रेस वार्ता कर रहे थे और पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आए। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में साफ तौर पर यह कैबिनेट की बैठक हुई, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक कई मुद्दों को लेकर, चाहे वृद्धा पेंशन हो उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, हरियाणा के 5000 स्टार्टअप सीएम मनोहर लाल ने कहा, इसके साथ ही बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा, पेंशन के लिए अलग से कागज नहीं भरने होंगे, इसके साथ ही इंडस्ट्री लगाने वाले बालों को अलग से सुविधा मिलेगी। ई व्हीकल पर भी हरियाणा सरकार जोर दे रही है ताकि बहुत सारी चीजें हैं जिनसे राहत मिल सके और ज्यादा खर्च ना हो। साफ तौर पर हरियाणा सरकार का ये अहम उद्देश्य है और महत्वपूर्ण ये मंथन साफ तौर पर कैबिनेट में किया गया, कई कैबिनेट मंत्री इस कैबिनेट में मौजूद रहे। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये कैबिनेट में मंथन हुआ, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी होगी, सीएम मनोहर लाल ने कहा। हरियाणा के 5000 स्टार्टअप, ये भी सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा, बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा, वहीं पेंशन के लिए अलग से कागज नहीं भरने होंगे, सीएम ने कहा, इंडस्ट्री लगाने वालों को अलग से सुविधा मिलेगी। उनके आकर्षण होता है, उस नाते से टेंपरेरली आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका भी कोई बहुत बड़ा लाभ लंबे समय तक होता नहीं है। जहां एकाध स्टेट में मान लो दिल्ली में कुछ चीजें पूरी कर भी दी, पंजाब की ऐसी स्थिति आर्थिक स्थिति में नहीं है कि कोई बात को पूरा कर पाएंगे और वह पूरा कर भी नहीं पा रहे हैं, बहुत जल्दी डिस्क्रेडिट होने का काम ये सामने आ गया कि उन्होंने लोकसभा में जो खुद उनकी लोकसभा की सीट थी मुख्यमंत्री की, जिन्होंने वहां लोक मेंबर पार्लियामेंट वहां थे और वहां से रिजाइन किया, वो सीट हार गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो पॉपुलरिज्म की जो स्कीमें थी वो सारी फेल हुई। वहीं पर दूसरा एक चिंताजनक बात दूसरी भी है, एक सेक्शन वहाँ अलगाववादी विचार को लेकर के आगे बढ़ता है और अलगाववादी विचार को लेकर के और जनता में कोई उसको रोकने वाला नहीं है, चेक करने वाला नहीं है, उसको अगर थोड़ा भी गति मिलती है, थोड़ा उसको फोर्स मिलती है, वो भी देश प्रदेश के लिए हितकर नहीं है। इसलिए आज मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करूंगा कि ये जीत गए वो हार गए, वो जीत गए ये हार गए, लेकिन पंजाब में परिस्थितियां संभालने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा और बैठ करके विचार करना पड़ेगा कि देश की एकता अखंडता बनी रहे।